कि अभी पिछले पीरियड में हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ा था, वो टॉपिक ख़त्म हो चुका है। आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा, रेस्पिरेशन का या श्वसन का। तो देखिए श्वसन क्या होता है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं श्वसन क्या होता है। तो देखिए वह क्रिया जिसमें श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली उन सभी एंजाइमी प्रक्रियाओं को कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। तो श्वसन क्या होगा, जब हम वायुमंडल से गैसों को ले करके उसको शरीर में ले जा करके उसके इंटरनल जितने फंक्शंस होते हैं और भोज्य पदार्थों का पचने से लेकर के एनर्जी प्राप्त होने तक की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाएगी, श्वसन। तो यहाँ पे एक जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे ब्रीदिंग क्या होता है, एक ब्रीदिंग होता है, एक रेस्पिरेशन होता है। ब्रीदिंग मतलब होता है सांस लेना, सांस लेना। रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये सांस लेने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एयर का इंटेक करना और उसे एक्सहेल करना या फिर बाहर निकालना, लेकिन श्वसन का मतलब क्या होगा, श्वसन में लिए गए ऑक्सीजन को यहाँ पूरे संपूर्ण प्रक्रिया में एनर्जी प्राप्त होने तक की प्रक्रिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्ट बनना, फिर उसको बाहर निकालने तक की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, श्वसन। तो ये जो ब्रीदिंग होता है ये रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है। ब्रीदिंग जो होता है रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है, और इस रेस्पिरेशन को पूरा करने के लिए एक सिस्टम पाया जाता है जिसे हम कहेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हम कहेंगे। यहाँ पे हमें पढ़ना है आज रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिस्टम के बारे में इससे पहले जान ही चुके हैं कि सिस्टम वो होता है जिसमें कई ऑर्गन्स मिलकर के फंक्शन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। तो इसमें जैसे ये एक तरीके से ये फेफड़े की संरचना है, ये कहलाती है लैरिंग्स, लैरिंग्स ये कहलाती है विंड पाइप, विंड पाइप, या इसी को हम कहते हैं ट्रैकिया। विंड पाइप को ही हम कहेंगे ट्रैकिया। ये राइट लंग होता है या लेफ्ट लंग होता है, लेफ्ट लंग होता है। ये डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम होता है। तो राइट लंग जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, लेफ्ट लंग छोटा सा छोटा होता है और राइट लंग थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो संरचना दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं हर्ट। तो हर्ट जानते हैं कहाँ पे होती है, वो हमारे लेफ्ट साइड में होती है। तो ये हार्ट की प्रेजेंटी की वजह से ये जो लेफ्ट लंग होता है, लेफ्ट लोब जो होता है लंग का, वो छोटा होता है और ये राइट वाला बड़ा होता है। तो देखिए श्वसन की जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो कहाँ से होगी, तो सबसे फर्स्ट ऑर्गेन जो हमारा उसमें पार्टिसिपेट करता है वो नोज, नोज होता है। नोज के माध्यम से हम एयर को इनटेक करते हैं, फिर वो नोज के माध्यम से जाएगा कहाँ पे, फेरिंग्स। फेरिंग्स इसके पहले डाइजेशन में पढ़ चुके हैं क्या होता है। फेरिंग्स के बाद वो आता है कहाँ पे, लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद वो आएगा कहाँ पे, ट्रैकिया या विंड पाइप, ट्रैकिया या विंड पाइप में। फिर विंड पाइप से वो आता है कहाँ पे, लंग्स में। अब यहाँ पे लंग्स में क्या होगा, जो ऑक्सीजन लिया गया, जो एयर लिया गया, उसका यहाँ पे विनिमय होगा, ट्रांजैक्शन होगा। विनिमय के बाद फिर से बाहर उसको निकाल दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे आता है, तो नोज के माध्यम से हम जो एयर लिए हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, ध्यान देना है, ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, हम संपूर्ण एयर का इनटेक कर रहे हैं, मतलब हवा का इनटेक कर रहे हैं। और हवा में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा,
नाइट्रोजन होगा, आर्गन होगा या अन्य गैसें होंगी, ये सारी गैसें हैं वो हमारी नोज़ के माध्यम से एंटर करेंगी, यहाँ से फेरिंग्स में जाएंगी। फेरिंग्स वह एरिया होता है, फेरिंग्स वह एरिया होता है जहाँ पे फूड पाइप और विंड पाइप, फूड पाइप और विंड पाइप दोनों मिलती हैं, विंड पाइप दोनों आके मिलती हैं, वो स्पेस फेरिंग्स कहलाता है। और फेरिंग्स के बाद ये लैरिंग्स होता है, और लैरिंग्स यहीं से, ये जो लैरिंग्स होती है इसे हम कह सकते हैं स्वर यंत्र, यहीं से आवाज़ क्रिएट होती है, आवाज़ निकलती है, और इसे वोकल साउंड भी कह सकते हैं, वोकल साउंड भी कह सकते हैं, यहीं से आवाज़ क्रिएट होती है। अब इसके आगे जब ये इस जगह पर एयर पहुंचती है तो ये होता है विंड पाइप, या इसे हम कहते हैं ट्रैकिया। ठीक है, तो देखिए ट्रैकिया में, ट्रैकिया आगे दो भागों में बढ़ जाता है, ट्रैकिया आगे दो भागों में बढ़ जाता है, प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, या चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये प्रत्येक भाग ब्रोंकाई कहलाता है, प्रत्येक भाग ब्रोंकाई कहलाएगा। फिर ये ब्रोंकाई जो होता है ये भी कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जैसे ये सब क्या है, इसे हम कह सकते हैं ब्रोंक्योल्स, ये ब्रोंक्योल्स होते हैं, और ये ब्रोंक्योल्स भी कई भागों में बढ़ जाता है, ये जो उभरा हुआ संरचना होता है ये कहलाती है एल्वियोलाई, ये जो संरचना होती है ये कहलाती है एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई जो होती है ये लंग्स के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। जिस तरीके से हम जानते हैं हमारी बॉडी जो बनी होती है वो एक सबसे स्मॉल यूनिट से बनी होती है जिसका नाम हम जानते हैं सेल, उसी तरीके से ये जो एल्वोलाई होता है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों की यूनिट होता है, मतलब सबसे छोटी यूनिट, और यही एल्वोलाई से ही हमारा गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होगा। तो देखिए सबसे पहले हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, नोज से, नोज के माध्यम से हमने एयर इनटेक किया, उस एयर में तमाम गैसें थी, ये ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, या और जो भी गैसें होती हैं वो सारी गैसों को हमने इनटेक किया, वो सारी गैसों को हमने नोज के माध्यम से ग्रहण किया, फेरिंग्स में गया, लैरिंग्स में गया, उसके बाद वो पहुंचता है कहाँ पे, विंड पाइप या ट्रैकिया में, ये ट्रैकिया में पहुंचा, ट्रैकिया में पहुंच करके ये आगे बढ़ता है तो वो ट्रैकिया दो भागों में डिवाइड हो जाता है, ये जो ट्रैकिया होती है दो भागों में डिवाइड हो जाती है जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। अब ये दो भागों में डिवाइड हो गई, अब इसे हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि ये ट्रैकिया का प्राइमरी डिवीज़न है, ये ब्रोंकाई जो है वो ट्रैकिया का प्राइमरी डिवीज़न, अब ये जो प्राइमरी डिवीज़न है उसे ब्रोंकाई हमने कहा, अब ब्रोंकाई भी क्या होगी, कई भागों में बढ़ जाएगी, ब्रोंकाई भी कई भागों में बढ़ जाएगी जिसे हम कहते हैं ब्रोंकियोलस या ब्रोंकियोल्स, ये कई भागों में बंटने के बाद ये ब्रोंकियोल्स। अब देखिए यहाँ पे ट्रैकिया का प्राइमरी डिवीज़न ब्रोंकाई, और ट्रैकिया का सेकेंडरी डिवीज़न ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकाई का प्राइमरी डिवीज़न ब्रोंकियोल्स। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़रूर होगा, क्लियर कर देते हैं, ये ट्रैकिया का प्राइमरी डिवीज़न मतलब पहला जो यहाँ पे डिवीज़न हुआ दो भागों में जब बटा, तो इस प्रत्येक भाग को हमने कहा क्या, ब्रोंकाई, ये प्रत्येक भाग कहलाया ब्रोंकाई, ये ट्रैकिया का प्राइमरी डिवीज़न, इसी ट्रैकिया का सेकेंडरी डिवीज़न यहाँ स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स, ट्रैकिया का सेकेंडरी डिवीज़न यहाँ पे कहलाया ब्रोंकियोल्स, और इसी ट्रैकिया का टर्शियरी डिवीज़न कहलाया यहाँ पे एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई हमारी जो होती है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है एल्वोलाई। अब यहाँ पे ट्रैकिया का प्राइमरी डिवीज़न ब्रोंकाई, ट्रैकिया का सेकेंडरी डिवीज़न ब्रोंकियोलस, ट्रैकिया का टर्शियरी डिवीज़न एल्वियोलाई,
अब यहाँ से देखिए ट्रैकी, यहाँ पे ट्रैकिया को छोड़ दीजिए, ब्रोनकाई का प्राइमरी डिवीजन ब्रोनकियोल्स, ब्रोनकाई का प्राइमरी डिवीजन ब्रोनकियोल्स, ब्रोनकाई का सेकेंडरी डिवीजन एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई को ही हम हिंदी में यहाँ पे कह सकते हैं कूपिकाएं। ये कूपिकाएं होती हैं, इसी में हमारा जो गैसों का विनिमय होता है एल्वियोलाई में ही होता है। तो देखिए अब यहाँ से देखिए, ये नोज के माध्यम से हमने एयर को इंटेक किया, पहुंचा कहाँ, फेरिंग्स में, फिर वहाँ से लैरिंग्स में, फिर वहाँ पे ट्रैकिया या विंड पाइप जिसे कहते हैं ट्रैकिया में आया, फिर ये लंग्स में गया, लंग्स से कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, हार्ट से कहाँ जाएगा, ऑर्गन्स में जाएगा, और ऑर्गन्स में होते हैं क्या, सेल्स, और ये सेल्स जो होते हैं ऑक्सीजन का यूज करके जनरेट करेंगे क्या, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करेंगे, और ये जो ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है O2 की प्रेजेंटी में यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, तब जा करके बना क्या है, ग्लूकोज। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, उसके बाद यहाँ पे ग्लूकोज बना, और फिर बनता क्या है, इसी में कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट बनता है तो ये बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ग्लूकोज का बनना, ग्लूकोज तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बनना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये हमने यहाँ पे एयर को इंटेक किया, ये पूरी प्रक्रिया जो है ठीक। और यहाँ पे इसके बाद ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड के बनने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ तक पहुँचाना, ये पूरी जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है, वो क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। तो इसको हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो यहाँ तक हम डिवाइड कर सकते हैं, ये कहलाएगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये कहलाएगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और यहाँ से यहाँ तक की जो प्रक्रिया कहलाएगी वो ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयर, और फिर उसके बाद ये जो प्रक्रिया कहलाएगी यहाँ से यहाँ तक ये कहलाएगी सेल्युलर रेस्पिरेशन। भोजन का पच करके ग्लूकोज में बनना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बन करके उसे बाहर निकालना, ठीक है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाएगी, हमारी श्वसन कहलाएगी। और जो अभी हमने ब्रीदिंग बताया था, ब्रीदिंग अभी हमने चर्चा की थी, ब्रीदिंग क्या होता है, तो ब्रीदिंग जो होता है ये सिर्फ इतना हम कह सकते हैं, ब्रीदिंग सिर्फ इतना होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ब्रीदिंग जो होता है वो श्वसन का एक छोटा सा पार्ट होता है, लेकिन वो संपूर्ण श्वसन नहीं होता। संपूर्ण श्वसन एक लॉन्ग प्रोसेस की प्रक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, उसको भी बाहर जब निकालते हैं तो वो हम कह सकते हैं उसे पूरी श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट हुई। और श्वसन को हम यहाँ पे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, श्वसन को हम यहाँ पे दो भागों में, रेस्पिरेशन को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर है यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड नंबर है एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, जैसे ईस्ट में होता है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनमें कौन सी रेस्पिरेशन होती है, एनएरोबिक की,
या इसे हम कह सकते हैं ये होता है वायवीय श्वसन, ये होता है वायवीय श्वसन और ये होता है अवायवीय अवायवीय श्वसन। ये अवायवीय का मतलब जिसमें यहाँ पे वायवीय श्वसन में क्या होगा, O2 की ज़रूरत होती है और इसमें O2 की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये यीस्ट में होता है या जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनमें अवायवीय रेस्पिरेशन होता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें यह समझना है किस तरीके से गैसों का परिवहन होता है। तो देखिए अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे हमारा एयर आया, पूरा एयर आया है, ना कि ऑक्सीजन आया है। वो एयर आता कहाँ पे है, ट्रैकिया के माध्यम से आएगा ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से फिर जाएगा ब्रोंकियोल्स में, फिर ब्रोंकियोल्स से कहाँ पे जाएगा, एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई एक ऐसी संरचना होती है जो क्या करती है, यहाँ पे फेफड़े में जब ब्लड भरा रहता है, तो देखिए यहाँ पे ये सपोज दैट ये एक पाइप है और ये भी एक पाइप है, ये चलिए हम मानते हैं ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है और इस पाइप में CO2 अधिक है, मतलब इसमें ब्लड आ रहा है ब्लड, तो ये कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जिसमें CO2 की मात्रा, ये जो पाइप होती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है अशुद्ध रुधिर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, और ये जो नलिका है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। और ये वो एरिया होता है जहाँ पे इन गैसों का विनिमय होता है, ये वो एरिया जिसे हम यहाँ पे एल्वियोलाई कह रहे हैं। अब ये जो एयर आई है, और इससे पहले हम जान चुके हैं कि एयर जो होती है उसमें यहाँ पे जो विनिमय हो रहा है डिफ्यूज़न के माध्यम से या विसरण के माध्यम से हो रहा है। विसरण का मतलब है कि लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ना। तो यहाँ पे इस वाली पाइप में किसका प्रेशर अधिक है, CO2 का, और इस वाली पाइप में किसका प्रेशर अधिक है, O2 का। लेकिन ये जो ट्रैकिया है इसमें हम एयर इंटेक कर रहे हैं, एयर इंटेक किया जा रहा है, तो एयर जो आई यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड में सॉल्यूबल है, बाकी और अन्य गैसें ब्लड में सॉल्यूबल नहीं है। तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में सॉल्यूबल हो जाएगी, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ पे आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पे अधिक, ऑक्सीजन की मात्रा कम, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, O2 कम है। तो ऐसे माध्यम में ऑक्सीजन जो होगा वो इसमें एंटर करेगा, और इस वाली पाइप में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैकिया में एंटर करेगा और ट्रैकिया से ऑक्सीजन एंटर करेगा इस संरचना में। तो यहाँ पे जब दोनों लेवल के हो गए तो अब इसमें जो अभी तक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा थी, अब इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इक्वल हो गई, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटी है। अब उसके बाद ये इस नलिका से जाएगा, तो अब ये प्योर ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योर ब्लड होता है। अब ये शरीर के अंगों की ओर जाएगा, अब शरीर के अंगों में जाएगा और शरीर के अंगों में जा करके फिर से वही केमिकल रिएक्शन करेगा जिसमें ग्लूकोज बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से इस नलिका के माध्यम से एंटर करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटेगी, फिर वही प्रक्रिया होती रहेगी। तो ये जो यहाँ पे विनिमय हो रहा है ये किसमें हो रहा है, एल्वियोलाई में, या कूपिकाएँ जो होती हैं इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अदला बदली होती है। अब इसी के माध्यम से अब यहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचा है,
अब यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में से जाएगा ब्रोंकियोल्स में, फिर ब्रोंकियोल्स में जाएगा ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकाई से वो विंड पाइप में, विंड पाइप से वो बाहर नोज के माध्यम से निकाल दिया जाएगा। ये संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है वो कहलाती है श्वसन। लेकिन यहाँ पे जो ब्रीदिंग होती है, वो ब्रीदिंग जो होती है, सांस लेना, उसे हम श्वसन नहीं कह सकते। ब्रीदिंग जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ श्वसन का एक छोटा सा पार्ट होता है, जिसे अभी हमने बताया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसमें हमने बताया ये जो ब्रीदिंग होती है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अदला बदली एल्वियोली में हुआ, यही वो संरचना होती है जहाँ पे इन गैसों का आदान प्रदान होता है। अब एक मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, तो लगभग 12 से 14 बार प्रति मिनट, 12 से 14 बार प्रति मिनट, या एक मिनट में हम कितनी एयर इनटेक कर रहे हैं, एक मिनट में हम कितनी एयर इनटेक कर रहे हैं, लगभग 7 से 8 लीटर एयर इनटेक कर रहे हैं, या एक मिनट में, या एक दिन की अगर हम बात करें, एक दिन में कितनी एयर इनटेक कर रहे हैं, लगभग 11,000 लीटर एक दिन में इनटेक किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एयर जो इनटेक किया जा रहा है ये मिक्स है, लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पे बात की जाए ऑक्सीजन एक दिन में कितना इनटेक किया जा रहा है, एक दिन में ऑक्सीजन कितना इंटेक किया जा रहा है, तो 540 लीटर ऑक्सीजन एक दिन में लिया जाता है और इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड एक दिन में बाहर निकाला जा रहा है, इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड एक दिन में बाहर निकाला जा रहा है, और एक दिन में जितना ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उतना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा है।